हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जल पिपासु प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। प्रणाम मसुरेश्वर, आपने जल पिपासु को क्यों स्मरण किया है? हे जल पिपासु, तुम्हारी युगों युगों की प्यास बुझाने के लिए वैष्णव ने जल का प्रबंध किया है। तुम अपने युगों की प्यास अब इस जल से मिटा सकते हो। सैनिकों, आज्ञा सुराज। इस घमंडी और ढोंगी देवी को मेरे सामने बंदी बनाकर ले आओ। जो आज्ञा। जाओ। भैया, अब हमें आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए। हे मैया, हम पूर्व जन्म का रूप धारण करने के लिए तैयार हैं। वैष्णव फिर कोई माया का खेल दिखाना चाहती है, इसे कोई अवसर मत दो सैनिकों। हे असुरराज, ये तो जल प्रलय है, इससे भयभीत होकर हमारी सेनाएं इधर उधर भाग रही है। ये वैष्णवी की माया है, माया। परंतु मैं अपनी माया शक्ति का प्रयोग करके उसकी माया को सफल नहीं होने दूंगा। जल पिपासु प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। प्रणाम मसुरेश्वर, आपने जल पिपासु को क्यों स्मरण किया है? हे जल पिपासु, तुम्हारी युगों युगों की प्यास बुझाने के लिए वैष्णव ने जल का प्रबंध किया है। तुम अपने युगों की प्यास अब इस जल से मिटा सकते हो। जो आज्ञा सुरेश्वर। आगे बढ़ेंगे। रुक जाओ वैष्णवी, रुक जाओ। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। हे मायावी वैष्णव, तुमने अपनी माया शक्ति से मुझे बंदी बना दिया है, परंतु तुम ये मत समझो कि तुम मेरा तुम्हारा ये युद्ध जीत गए हो, क्योंकि तुम्हारा ये जल मेरी सांसों को समाप्त नहीं कर सकता। मैं जब तक चाहूं अपना श्वास रोककर अपने आप को जीवित रख सकता हूं, और उचित समय आने पर अपने आप को बंधन मुक्त करके तुम जहां भी होगी तुम्हारे सर पर पहुंच जाऊंगा। हे मैया, आपने मुझे पिता होने का सौभाग्य प्रदान किया है, इसके लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम। हे जगत माता, आप तो माता हैं, फिर भी आपने पुत्री बनकर मुझे माता होने का गौरव प्रदान किया है। मैं अनुग्रहित हो गई माता, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अब हमारी केवल एक इच्छा शेष है मैया। बताइए पिताश्री,
मैं आपकी हर इच्छा पूरी करूंगी। हम आपके सत्य स्वरूप का दर्शन करना चाहते हैं मातेश्वरी। तथास्तु। समुद्रराज, समुद्र मंथन के समय महादेव शिव शंकर ने हलाहल प्राशन करके सृष्टि की रक्षा की थी। आज आपने भी भैरव नाम के हलाहल को धारण करके सृष्टि पर उपकार किया है। आप जैसे महात्मा सृष्टि वासियों के लिए इसलिए पूजनीय होते हैं क्योंकि आप लोगों का दुख हरते हैं और उन्हें सुख प्रदान करते हैं। आप पापियों और पुण्यवान दोनों को आश्रय देते हैं। समुद्रराज, आपने अपने सत्कर्मों से ही देवत्व प्राप्त किया है। हे समुद्र देवता, आज के पश्चात पृथ्वीवासी आपकी पूजा करते रहेंगे।